जुहेब आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? जो इंक फेंकने वाला भूत था जिसका पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है, तुमने पता लगा लिया कौन? यस, और वो भी तब जब वो खुद तस्लीम कर रहा था कि उसी ने किया। अच्छा ये बताओ वो भूत है या भूतनी? भूतनी, 1+1। सहर और फिजा। कैसे कर सकते हो ये हरकत? तो तुमने क्या किया उनके साथ? मैंने उन्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया? चलो माफ तो कर दिया तुमने, लेकिन आई डाउट कि वो बाज आएंगी अपनी हरकतों से। उन्होंने शरारत की है, खुद समझ जाएंगी। समझेंगे तो नहीं कभी भी, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी। हमें ना कोई नहीं हरा सकता। वैसे टीचर ने तो सरप्राइज कर दिया। क्या स्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है। मैडम कहाँ? नहीं कहीं नहीं, बस टीचर के बारे में सोच रही थी। वो दिखने में इतने जबरदस्त हैं सुंबुल। ओहो फरवा, कितनी गलत बात है। टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें ऐसे ताड़ना नहीं चाहिए। मुझे मत बताओ क्या अच्छा और क्या बुरा, और किसी को देखने में कोई बुराई तो नहीं है। ओहो मुझे लगता है एक अदद चश्मा ना तुम्हारी अकल के लिए भी खरीदना पड़ेगा। वो किस लिए भाई? ताकि तुम्हें भी सब साफ साफ दिखाई दे। तुम मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन मैं म्यूजिक टीचर की फेवरेट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा फरवा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि मुझे सर का मजाक ना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जिस टीचर से हम मिले हैं वो कोई और है, और जिसका एडमिन टीचर बता रहे थे वो कोई और है। जानिए क्या चक्कर है। वैसे हाँ सुंबुल, ये बात जो है मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन उस दिन मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। तुम्हारा कोई हल नहीं, चलो चाय पीते हैं। चलो। यहाँ प्रैक्टिस कर करके हमारा गला बैठ गया, और वहां सरफराज कह रहे हैं कि ऑडिशन होगा। यार इस प्रैक्टिस से चक्कर च ना असि वार्डन तो बहुत इंसल्ट करा रही है, पता नहीं उनसे सिलेक्ट भी होने कि नहीं। कितना बुरा हुआ ना, मैंने तो फाइनल की ट्रॉफी वसूल करने के लिए ऑनलाइन ड्रेस भी मंगवा लिया था। यार आप चंगे भले मशहूर हो जाना सी यूनिच। क्या हो गया, तुम लोग डर गए अपने ऑडिशन से? अपनी आवाज पर भरोसा रखो, मेरी तरह खुद को पहचानो। अच्छा दे तू फिर की पहचाने अपने आप नू? यही कि मैं बेसुरी हूं। वैसे फरवा तुम इतनी भी बेसुरी नहीं हो यार, तुम ऑडिशन तो दे ही सकती हो, है ना? बल्कि दे देना ऑडिशन। तो तुम लोग क्या चाहती हो, मेरी इंसल्ट हो जाए सरफराज के सामने? अगर हम ऑडिशन में फेल हो गए तो क्या होगा? क्या होगा, मुकाबले से बाहर और क्या? नहीं यार मैं बहुत मेहनत करूंगी और इतना अच्छा गाऊंगी ना कि सरफराज भी हैरान हो जाएंगे। सो तो है। अब वैसे मुझे ना एक बात का पता चला है। क्या बात? पता है क्या, मैंने सुना है कि लड़के बहुत अच्छा गा रहे हैं और वो टीचर के बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर सर से रिक्वेस्ट करके सिलेक्ट हो भी गए तुम लोग तो राउंड में फेल हो जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करो आज से और अभी से। इसको देख, अजीब पागल। खैर यार अब अच्छी प्रैक्टिस करनी है।